हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, चारू को चिल्लाते हुए, इतनी डरपोक लड़की है, किचन में मैगी बना रही थी, बस हम पीछे से गए हैं, हमें कुछ बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जाके गए और क्या बना रही हो उतने में ही वो डर गई। तो खैर कोई बात नहीं, डर जैसा वो डरी वैसा वो हमसे डांट सुनी। उसके बाद हम क्या किए, हम अपने काम में लग गए। हमने निकाला दूध में से मलाई, बहुत ही मोटा और बहुत ही अच्छा मलाई निकला था। कैसे मोटा और अच्छा मलाई निकालें उसके लिए वीडियो हम आगे आपको बताएंगे। तो मलाई को निकाल के एक जाली जैसे आप किसी बर्तन में रख दीजिए और उसके ऊपर चम्मच से लगातार चलाते रहिए। थोड़ी देर तक आप उसे रख देंगे और चलाते रहेंगे तो जितना भी दूध के नीचे का मरूद जिसे हम लोग कहते हैं वो गाढ़ा वाला पेस्ट जैसा वो निकल जाएगा, जो एक लिक्विडी, थोड़ा लिक्विडी क्रीम जैसा होता है, तो वो अलग हो गया है। और उसके बाद ऊपर का जो भी मलाई है बिल्कुल वो तो देख लें, आप देख सकते हैं कि घी जैसा चिकना होके वो पूरे बर्तन को छोड़ दिया है। तो उसको हम एक अलग कटोरी में रख दिए हैं, और सॉरी कटोरी नहीं, एक बर्तन में रख दिए हैं। और जो गाढ़ा वाला नीचे का भाग था उसको हम व्हिप्ड से अच्छे से व्हिप्ड कर दिए हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें पूरा मेरा व्हिप्ड करने के बाद मशीन से, अगर आपके पास ये एक चम्मच वगैरह हो तो आप उससे भी लगातार फेंट सकते हैं। तो उसके बाद के व्हिप्ड वाले मशीन से हम इसको फेंट दिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें बटर निकल गया है। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच भर के चीनी, ताकि आपको बटर यूज़ करते वक्त कोई भी चीनी और मिलाने का झंझट न रह जाए, आपके पास मीठा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी सा ताज़ा फ्रेश वाइट बटर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हम उसको चीनी डाल के भी लगातार फेंट दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे का पतला वाला भाग जो है दूध, वो अलग हो गया है, और ऊपर से इसमें वाइट बटर जो है वो अलग हो गया है। तो आप इस तरह से चम्मच से किनारे करके धीरे धीरे करके इस तरह से दबा दबा के निकाल लें, ताकि दबाने का इसलिए है क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा दूध उसके साथ निकल रहा है वो निकल जाए और बटर पूरा अलग हो जाए। तो इससे हम लोग वाइट मक्खन होता है ना, वो जन्माष्टमी में भगवान जी को चढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बटर बन के निकला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसे चारों तरफ से कांच के निकाल दिया है और एक बर्तन में स्टोर कर दिया है। तो ताकि आप इसे चाहें तो किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। ये मीठा है तो आप इसे ब्रेड में देख लीजिए कितना थिक और कितना ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी चम्मच से तुरंत से गिर नहीं रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। तो आप किसी अच्छे से ब्रेड में लगा के खाएं, आप इसे टोस्ट में लगा के खाएं, गरम पराठे के साथ खा के देख लें, बहुत 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 ही ज़्यादा यमी लगता है। घी, तेल, मसाला कुछ भी अगर आपको खाने का इच्छा नहीं है, हल्का मीठा खाने का मन हो, तो आप इस तरह से बटर निकाल के खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। उन्हें टिफ़िन बॉक्स में दे दीजिए, ब्रेड के साथ लगा के बहुत खुशी खुशी खा लेंगे। और आप इसे चाहें तो ये सूप वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आपको सूप और सब्ज़ी में यूज़ करना है तो आप इसमें चीनी ना डालें, अलग से इसे निकाल के रख लें। अब हम बनाने वाले हैं जूस। तो हमने पहले अपने शॉर्ट्स में बताया था कि किस चीज़ का जूस है। तो पहले तो हमने ये तरबूज का जूस निकाल लिया था और ये है खरबूजे का जूस। तो खरबूजे का बीज अलग करके उसका दूध हम अलग कर लिए थे, आप उसका वीडियो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए किस तरह से इसके बीज का उपयोग करके हम उसके दूध को अलग कर दिए थे। और उसका उपयोग जब भी हम करने वाले हैं उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से खरबूजे का टुकड़ा करके बीज हटा के उसको हम इस मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीनी। वैसे तो ये बहुत मीठा होता है, लेकिन कभी कभी अगर फीका हो और आपको थोड़ा मीठा खाने का इच्छा हो तो उसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है। तो पानी डाल दीजिए और उसके बाद ग्लास में डाल दीजिए बर्फ़, उसके बाद इसमें आप भर दीजिए जूस। तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कलर, तो बहुत ही नेचुरल, इसमें कोई भी कलर ऐड करने का आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप बिना कलर के ही बनाइए। और इसका जो पीच कलर है ये इसको कहते हैं, और ये बिल्कुल गन्ने के रस जैसा लग रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी है। तो अभी हम पी के आपको बताने वाले हैं कि ये कितना फ्रेश फील कराएगा आपको, पेट तो भरेगा ही, आपकी पानी की कमी को भी ये पूरा करेगा। तो अब आप देखिए कि हम कितना इसका तारीफ करने वाले हैं।
बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, आपको इस मौसम में जितना अच्छा अच्छा जूस पीना हो पी लीजिए, क्योंकि हर मौसम में हर फल नहीं मिलता है। तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ के लिए कंजूसी मत करिए। और हम इसमें डाल दिए हैं बर्फ, और एक दो बर्फ, खांसी आएगा तो आएगा, नहीं खाने से भी आता ही है, और खाएंगे आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये मेरा फ्रेश जूस, कल हम आपको दिखाए थे वाटर मिलन का तरबूज का जूस बना के, कोकू जो हमेशा से मेरे वीडियो का बाधा बना हुआ है, आज भी उसका वही काम है चिल्लाना। सर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना फ्रेश, अगर दिन भर को कुछ ना मिले और तरह तरह का जूस मिले तो बेस्ट है। तो ये आपको भी कम करेगा, आपको बहुत ही अंदर से ताजगी देगा और टेस्ट का जवाब ही नहीं है। तो आप ऐसे ही अच्छी अच्छी ड्रिंक बनाइए, खुद पीजिए, फैमिली में बच्चों को पिलाइए। अगर बच्चे ये नहीं खाना पसंद करते हैं तो मेरी गारंटी है कि ये जूस अगर आप बना के देंगे तो